नमस्कार, देशोन्नति और राष्ट्र प्रकाश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद BCCI की ओर से टीम इंडिया को 125 करोड़ रुपयों के इनाम का ऐलान किया गया था और तब से ही क्रिकेट प्रेमियों के बीच इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि इस इनामी राशि में किस खिलाड़ी को कितना हिस्सा मिलेगा। इन तमाम अटकलों के बीच अब ये बात साफ हो गई है कि किस खिलाड़ी के हिस्से में कितना इनाम आएगा। चौंकाने वाली बात यह है कि इनाम के तौर पर 5-5 करोड़ पाने वाले 3 खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिन्होंने एक भी मैच नहीं खेला था। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में जीत के बाद टीम इंडिया पर इनामों की बरसात हो रही है और इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में है BCCI की ओर से दी जाने वाली 125 करोड़ की इनामी राशि, जो टीम इंडिया के खिलाड़ियों, कोच और सपोर्टिंग स्टाफ के बीच बांटी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन टीम में शामिल 15 खिलाड़ियों को 5-5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इनमें यशस्वी जायसवाल, विकेटकीपर संजू सैमसन और लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल का नाम भी शामिल है। हालांकि ये बात और है कि इनको एक भी मैच खेलने का मौका नहीं दिया गया। इनके अलावा इंडियन टीम में रिजर्व प्लेयर के तौर पर शामिल किए गए रिंकू सिंह, शुभमन गिल, आवेश खान और खलील अहमद को भी 1-1 करोड़ रुपए मिलेंगे। खिलाड़ियों के अलावा टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ को 5 करोड़ और बैटिंग कोच विक्रम राठौड़, फील्डिंग कोच टी दिलीप व गेंदबाजी कोच पारस महाबरे को 2.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन अजित आगरकर समेत 5 सिलेक्टर्स को 1-1 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा टीम के साथ काम करने वाले बैकरूम स्टाफ को भी इनाम दिया जाएगा। 3 फिजियोथेरेपिस्ट, 3 थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट, 2 मसाज करने वाले और स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच के हिस्से में 2-2 करोड़ रुपए आएंगे। गौरतलब है कि वर्ल्ड कप के लिए गई इंडियन टीम में कुल 42 लोग थे। टीम के साथ ट्रैवल करने वाले BCCI स्टाफ को भी इनामी राशि का हिस्सा मिलेगा, जिनमें मीडिया ऑफिशियल्स और लॉजिस्टिक्स मैनेजर शामिल है।